झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने मनाया महिला दिवस। महिला कांग्रेस नेत्री ने 100 गरीब महिलाओं को साड़ी देकर मनाया महिला दिवस और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं ने गाना बजाना कर झूमा। आइए दिखाते इस खास रिपोर्ट में। लेकिन हम लोगों को भी उनकी स्थिति को समझना होगा। जी, महिलाओं का हर कदम ही एक संघर्ष भरा होता है, चाहे वो समाज के में किसी ये में वर्ग में चले या उन घर को लेके चलें, उनका हर कदम संघर्षशील होता है। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हमारी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ कि सभी महिलाएँ अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत हैं और सारे लोग पुरुषों की अपेक्षा कदम से कदम मिलाकर घर से लेकर समाज तक सफर तय कर रही हैं, तो बधाई की पात्र हैं हमारी माताएं बहनें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारा ये प्रयास है कि सभी हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त और स्वावलंबी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी और वर्तमान में जो सरकार है उनका सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है। या महिला सुरक्षा की बात करें, या महिलाओं को सम्मान देने की बात करें, या महिलाओं को स्वावलंबी सशक्त और रोजगार से जोड़ने की बात करें, ये सारी चीज़ें में हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और ख़ासकर हमारी जो झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की हमारी बहनें हैं वो सभी लोग अपने आप में एक मिसाल हैं। मुझे गौरव है अपनी बहनों पर कि ये झारखंड में अपने अपने ज़िले में अपने अपने प्रखंड में अपने अपने पंचायत में एक परचम लहराई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के झारखंड की महिलाओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? झारखंड की महिलाओं के लिए मेरा एक संदेश होगा कि सभी महिलाएं अपने आप में अपनी ताकत को पहचानने और अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, सशक्त बनाएं। हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। जब हम दो कदम चलते हैं समाज में तो हमें अपने आप में एक ताकत को एहसास करना होगा और हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। पुरुषों की अपेक्षा हर वर्ग में महिलाओं को ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं, हमें भी आगे आकर चाहे वो जो भी वर्ग हो सभी में हमें अपने आप को एक बुलंदी पे जाना है, हमें भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाना है अपने घर से लेकर अपने समाज तक। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।